नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पी एस ऑन एयर पाठशाला में। वी विल राइट इन जीके रिटर्न कॉपी लेसन 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी पेज नंबर 2 जो आपको माटी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है। एंड वी विल लर्न इन जीके एंड कन्वर्सेशन बुक लेसन 2 पार्ट ऑफ द बॉडी। लेट गेट स्टार्टेड। फॉर दैट वी आर यूजिंग जीके एंड कन्वर्सेशन बुक पेज नंबर 4 लेसन 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आज हम पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स के बारे में। ये क्या है? हेयर्स। ये क्या है? नोज। ये क्या है? चेक। ये क्या है? हेड। ये क्या है? आईज। ये क्या है? ईयर। ये क्या है? माउथ। ये क्या है? शोल्डर। ये क्या है? हैंड। ये क्या है? स्टमक। ये क्या है? फिंगर्स। ये क्या है? नीज। ये क्या है? लेग। और ये क्या है? टॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू डू विथ योर आईज? हम अपनी आंखों से क्या करते हैं? आंसर, आई सी विथ माय आईज। हम आई से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू डू विथ योर ईयर? हम अपने ईयर से क्या करते हैं? आंसर, आई हियर विथ माय ईयर। हम अपने ईयर से सुनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू डू विथ योर नोज? हम अपनी नोज से क्या करते हैं? आंसर, आई स्मेल विथ माय नोज। हम अपने नोज से स्मेल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू डू विथ योर माउथ? हम अपने माउथ से क्या करते हैं? आंसर, आई ईट विथ माय माउथ। हम अपने माउथ से ईट करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड्स? हम अपने हैंड से क्या करते हैं? आंसर, आई वर्क विथ माय हैंड्स। हम अपने हैंड से वर्क करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू डू विथ योर लेग्स? हम अपने लेग से क्या करते हैं? आंसर, आई वॉक विथ माय लेग। हम अपने लेग से वॉक करते हैं। नाउ वी आर यूजिंग जीके रिटन कॉपी पेज नंबर 2 लेसन 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन 1, राइट any 5 names of body parts. Write any 5 names of body part. यहाँ हमें 5 नेम्स लिखने बॉडी पार्ट्स के। आंसर, 1 EYES eyes, 2 NOSE nose, 3 HANDS hands, 4 LEGS legs, 5 EARS ears. माटी ऐप के ऑन डिमांड में जीके रिटर्न कॉपी में पेज नंबर 2 दिया हुआ है। आपको उसी को देखकर वर्क कंप्लीट करना है। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comments. Give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.